आपको कि थर्ड वेव, क्योंकि थर्ड वेव तो कहा ही जा रहा था कि बच्चों पर ही असर डालेगी, ऐसे में ये नतीजे क्या कुछ राहत देते हैं? बिल्कुल, ये राहत देते हैं और ये बताते हैं कि जिस जिस स्टेट में या जिस जिस जिले में ये 50% मिले हैं, वहां पे हम सेफली स्कूलों को खोल सकते हैं। वैक्सीनेशन की दर बढ़ती जा रही है। आप लंदन में देख लीजिए, लंदन में तो कभी स्कूल बंद नहीं हुए, अमेरिका में स्कूल खुल रहे हैं, जर्मनी में स्कूल खुल रहे हैं। आप ये मान के चलिए डेल्टा, डेल्टा प्लस, गामा, कापा और ऐसे कितने वेरिएंट आएंगे और आप कब तक स्कूलों को बंद रखेंगे? अगर आपका सीरो सर्वे दिखा रहा है कि एंटीबॉडीज हैं, तो ये आप वैक्सीनेटेड जैसे ही हैं, क्योंकि ब्रेक थ्रू या री इन्फेक्शन, अगर हम री इन्फेक्शन का डेटा भी देखते हैं, 5% में ही सिर्फ री इन्फेक्शन हुआ, तो इसका मतलब 50% लोग वो हैं जिनमें एंटीबॉडी है। अगर उन पे वायरस अटैक भी करता है, डेल्टा वेरिएंट अटैक भी करता है, तो सिर्फ 5% में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होगा। तो इसके चलते हुए साइंटिफिकली हम बच्चों को, 11वीं 12वीं के बच्चों को स्पेस आउट करके चरणबद्ध तरीके से स्कूल को खोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों का मानसिक विकास रुक रहा है, उनकी हेल्थ खराब होती जा रही है। इसका हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अब गुरुग्राम में 17 लाख लोगों में से 12 लाख लोगों को एक डोज लग चुकी है, तो धीरे धीरे वैक्सीनेशन की दर बढ़ती जा रही है। सीरो सर्विलेंस का डेटा बहुत प्रोडक्टिव है, तो इसके चलते हुए अब राइट टाइम है, कॉशियसली बट स्ट्रॉन्गली स्कूल खोलना चाहिए। डॉक्टर अरविंद जोशी, मैं आपके पास आऊं सर, लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर रविंद्र मेहता के पास जाना चाहूंगी। रविंद्र मेहता, सीरो सर्वे की रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं, मतलब उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा माना जा रहा था थर्ड वेव की वजह से? तो इस सीरो सर्वेलेंस में यही बताता है कि ये जो लास्ट वेव में या उसके पहले का जो असर है और वैक्सीनेशन का असर क्या है, इसका बच्चों के इसका लेना देना कुछ लिमिटेड ही है मेरा ख्याल है। अच्छा। एक तो बार बार जो कहा जा रहा है, ये जो बच्चों का जो हम जो डर फैला रहे हैं, ये काफी कम है। आई थिंक एक ज्यादा ये तौर पे कहा जा रहा है कि चेतावनी देनी चाहिए ताकि हम फिर से सेकेंड वेव जैसे बैठे ना रह जाएं, किंतु डेटा और उन्हीं की वैक्सीन नहीं है, अभी उन्हीं की वैक्सीन नहीं है, और फिर ये कहा जा रहा था कि क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो उन पर ज्यादा खतरा है। तो अगर नतीजों में निकल रहा है कि एंटीबॉडीज डेवलप हुई है बच्चों में, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना पहले समझा जा रहा था कि हाँ खतरा है थर्ड वेव से? नहीं है, क्योंकि एक तो सबसे पहले 12 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन आ रहा है, दो दो वैक्सीन पोटेंशियल है हमारे पास, तो वो हो सकते हैं। सेकेंडली अगर आप हमारे बड़े बड़े जर्नल्स पढ़ो तो वो काफी चीजें जो एक नया टर्म ले आना, उन्होंने कहा वैक्सीनेशन रिंग खड़ा करो। अगर आपने बच्चों को स्कूल भेजना है, जैसे मेरे साथी डॉक्टर्स बोल रहे थे, तो एक रिंग खड़ा करना होगा जहां इनके पेरेंट्स वैक्सीनेटेड है, टीचर्स वैक्सीनेटेड है, एम्प्लॉयज वैक्सीनेटेड है, 12 से 18 साल के बच्चे एटलीस्ट एक वैक्सीन शॉट लेके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। ताकि वैक्सीनेशन रिंग खड़ा करें, प्रोटेक्शन मैक्सिमम है, इसके बाद जो है जो भी आएगा थोड़े ऊपर नीचे हम चीजें देख सकते हैं। लास्टली हम ये कई बार बोल चुके हैं कि क्योंकि बच्चों के ये जो कोविड का इतना असर नहीं होता है, इनके जो फिजियोलॉजी है, तो ये सब 4-5 देख के एक अलग ही मायने से स्कूलों को और सोसाइटी को खोलना होगा ताकि इसको टेस्ट कर सके। इसका अंजाम क्या होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दुनिया में दूसरे अगर जगह को देखो तो थोड़ा ऊपर नीचे होने वाला है। ये नहीं कि हमारे 100 बढ़ गए तो हम सारे वापस आ गए और चिल्ला रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेटेजी गलत है। ऊपर नीचे ये ढलान और चढ़ाव होने वाले हैं, इनको संभालने होंगे और एक लॉन्ग टर्म प्लान रखना होगा एज लॉन्ग एज वैक्सीन है हमारे पास और ये सब चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अरविंद जोशी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ सर, क्योंकि आप समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर भी हैं। डेढ़ साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि परवरिश दो तरीके से होती है बच्चों की, एक तो पारिवारिक माहौल में और दूसरी होती है सामाजिक माहौल में, लेकिन सामाजिक माहौल से तो पूरी तरीके से कट गए हैं। किस तरीके का असर, मानसिक असर इस दौरान उन पर पड़ा है, क्या नुकसान हुआ है स्कूल बंद होने से? जी बहुत सही आपने कहा, और अगर इसको संक्षेप में एकदम कहा जाए तो इसका बहुत नुकसान हुआ है। इसका नुकसान इस संदर्भ में भी देखा जाए कि जो छात्र हैं वो कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है, उनकी अपनी अपनी सामाजिक आर्थिक विशेषताएं हुआ करती हैं। मैं अभी डॉक्टर्स के विचार को सुन रहा था तो दो इशू सामने आते हैं इसमें, एक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा है और दूसरा जो है ई लर्निंग से संबंधित मुद्दा है। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे में आपने देखा कि जो तीन सर्वे हैं वो क्या बता रहे हैं, और अगर उन सर्वे को नहीं भी देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं या आसपास घूम नहीं रहे हैं। आप अधिकांश स्थानों पर देख सकते हैं
बच्चों को इसी तरह से घूमते हुए, और बच्चों में से अधिकांश बच्चे ऐसे भी आपको मिलेंगे जो मास्क का प्रयोग भी नहीं करते हैं।